गाजियाबाद के मोदी नगर में रैपिड रेल का गर्डर लॉन्चिंग के दौरान गिर गया। क्रेन का वायर और हुक टूटने से हादसा हुआ है। निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। नैनीताल में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत। ब्रेक फेल होने पर मिनी बस ने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल को टक्कर मार दी। काठगोदाम से हैडा खान के लिए जाते वक्त हादसा हुआ। बिजनौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। कुत्तों के हमले से बुरी तरह से जख्मी हो गई बच्ची, सीएचसी में भर्ती कराया। नेहटोर के मिर्जापुर इलाके की घटना। गाजियाबाद के शिप्रा रॉयल टावर में मौजूद मोटरकार एसेसरी शॉप में अचानक भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइन कर्मियों को दी है गाइडलाइन के पालन के निर्देश। वाराणसी में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर दिखाई गई सतर्कता। कासगंज के अमापुर इलाके में युवक से 6 लाख रुपए की लूट। सर्वेश यादव नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर अपने साथ हुई लूट की जानकारी दी। पीड़ित ने रास्ते में बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोककर फायरिंग की। बदायूं में बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी। एक युवक गोली लगने से जख्मी हुआ है। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। उघेती गांव के सोनिया खेड़ा का मामला। एटा में अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। अपराधी को पकड़ने पर पुलिस टीम पर हमला बोला। पुलिस कर्मियों के फोन भी छीने। 10 नामजद 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश बिसरख पुलिस का आमना सामना इनसे हुआ है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। स्टोर संचालक से हथियार के दम पर की थी लूट। बदमाशों से लूट की गई बाइक और बाकी सामान बरामद। नोएडा में दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। नोएडा सेक्टर 94 सुपरनोवा के पास स्कूटी सवार युवक को 2 बाइक बदमाशों ने गोली मारी। सेक्टर 126 स्थित निजी कंपनी में काम कर लौट रहा था युवक। जालौन में ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर। विकास खंड नंदीग्राम में अवैध कब्जे और सरकारी तालाबों से हटाया गया अतिक्रमण। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया अवैध कब्जा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटहरा और छोटी मिलक में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। दोनों जगहों से करीब 10 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई है बारिश, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मलिहाबाद में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। उत्तरकाशी में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नगर पालिका के दावों की भी पोल खुली। गंगोत्री नेशनल हाईवे भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहीं 4 धाम यात्रियों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में कुछ ही देर की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। तेज आंधी के साथ ही आधे घंटे हुई बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जलभराव हुआ। जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। टिहरी झील में आए जबरदस्त आंधी तूफान से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बोट्स को नुकसान पहुंचा है। कई बोटों के इंजन टिहरी झील में डूबे, जबकि तेज तूफान के कारण बाकी बोट्स आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त। बरेली में 18 एम्बुलेंस भेजने पर जिला अस्पताल में महिला ने किया हंगामा। महिला के हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। 108 और 102 एम्बुलेंस हो गई हैं 18। सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोग घायल। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। हल्द्वानी में डॉक्टर से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर को धमकी देने वाले बाप बेटे पेशे से कारपेंटर हैं। दोनों ने गलती से फोन करने की बात कही। बागपत में पुलिस ने 2 हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उनके संपत्ति को कुर्क करने के बाद उन पर सील लगा दी। पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की। हिस्ट्रीशीटर काफी लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं। कानपुर में पुलिसकर्मी का मोबाइल पर लूडो खेलते हुए वीडियो वायरल। ड्राइवर के साथ लूडो खेलता दिख रहा पुलिसकर्मी। पनकी इलाके के ढाबे का है वायरल वीडियो। गोंडा सीएससी करनालगंज में मरीज को भर्ती कराने और दवा दिलाने को लेकर आपस में भिड़ी 2 महिला दलाल। जमकर मारपीट, वीडियो वायरल।